मध्य प्रदेश के इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी अग्निकांड के आरोपी को पुलिस कस्टडी में ही पिटाई कर दी गई। आरोपी शुभम दीक्षित की कथित प्रेमिका की बहन ने थाने में ही उसे पुलिस के सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और पूछा कि आखिर तुम्हें क्या मिला। ये तब हुआ जब पुलिस आरोपी को थाने ले आ रही थी। इसी दौरान युवती ने पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उसकी पिटाई कर दी। बता दें कि शुभम दीक्षित नाम के इस शख्स ने युवती से बदला लेने के लिए उसकी स्कूटी में आग लगा दी थी। इसके बाद आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और इस हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी में हुए भयंकर अग्निकांड में पुलिस ने आरोपी शुभम दीक्षित की गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हॉस्पिटल से विजयनगर थाने ले गई थी। उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। विजयनगर पुलिस थाने पर उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ थी। इसमें कई वो लोग भी थे जिनके परिजन घटना के शिकार हुए हैं। सभी के मन में गुस्सा भरा था। इनके गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित को सुरक्षा घेरे में रखे हुए थी। वहीं थाने के बाहर मौजूद भीड़ में सलवार सूट पहने एक युवती भी खड़ी थी। ये शुभम की प्रेमिका की बहन थी। जब पुलिस संजय को बाहर ले आ रही थी तभी गुस्से में आई युवती ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को भेदते हुए उसके करीब पहुंची और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद युवती ने आरोपी से कई बार पूछा कि तुझे क्या मिल गया, ऐसा करके साथ ही कहा कि इसको तो फांसी से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।